प्रेरणा कथा समाधि लेख। सुबह सुबह ही उसके सर में दर्द होने लगा था। बहुत ठंडी हवा ने उसके नाक और चेहरे को बर्फ की मानिंद लगभग जमा ही दिया था। मारियाना ट्रेसर को इस तरह सुबह सुबह उठकर ठंड का सामना करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने मेज पर धरी हुई उसकी बनाई हुई चीज़ों की तरफ देखा। कुछ देर बाद उसने यह निष्कर्ष निकाला कि वो सब बेकार थी, फिर भी वो उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, जैसे एक माँ अपने दुख देने वाले बच्चे को देखती है। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजने लगी कि उसको काम पर जाने में देरी होने लगती है। वो नहा धोकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने कमर तक लंबे बालों को कंघे की। उसको कैफे पर अपने काम की याद आई। वो एक रोबोट की तरह तैयार हो रही थी जिसको जाकर लगातार काम करना था। उसने एक क्रीम लगाकर अपनी आंखों के नीचे के काले काले अर्धवृत्त छुपा लिए। इसके बाद उसने एक बहुत बड़े ब्रांड लाड़ी लाख की लिपस्टिक लगाई। उस लिपस्टिक का मूल्य $450 था। उसको इतने पैसे खर्च पड़ने पड़ते थे सिर्फ इसलिए कि वो अपने काम को बचाना चाहती है। मेकअप पूरा हो जाने के बाद उसने रसोई के मेज पर से एक बड़ा सा टुकड़ा केक का उठाया और अपने बैग कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। उसको 40 मिनट में अपने काम पर पहुंचना ज़रूरी था, नहीं तो उसके पैसे आज भी काट लिए जाएंगे। बस में चढ़ते ही उसने एक सीट पर कब्जा कर लिया और बैठ गई। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो अपने जूतों को उतार कर फेंकना चाहती थी, पर वो जानती थी कि यह करना संभव नहीं था, क्योंकि कुछ समय तक उनका सदुपयोग करना ही था। बस में उस दिन ज़्यादा यात्री नहीं थे। उसने अपने जूते उतार कर रख दिए। पूर्ण संतुष्ट के जूते चोरी नहीं होंगे। अचानक मारियाना को याद आया कि उसके जूतों के तले फटे हुए थे। पास बैठी एक औरत उसको ही देख रही थी। वो क्या सोचेगी कि मारियाना ने किस कारण जूते उतार कर आराम से बैठने का विचार छोड़ दिया। 35 मिनट की यात्रा के बाद उस बस ने उसको कैफ़े के बाहर उतार दिया। जब उसने कैफ़े का दरवाज़ा खोला, एक हल्की सी घंटी की आवाज़ आई। उसकी मालकिन 60 साल की बूढ़ी थी। उस दिन वो उस बूढ़ी की कुटिल मुस्कान से बचना चाहती थी। वो सिगरेट पीती रहती थी। मारियाना की मालकिन का नाम श्रीमती क्लारेंस था। कैफ़े में लोग उस बूढ़ी को कॉटेज की डायन बुलाते थे। उस कैफ़े का नाम कॉटेज कैफ़े था। वो एक छोटा सा घरेलू आभास कराने वाला कैफ़े था। मालकिन और उस कैफ़े में जमीन आसमान का अंतर था। वो एक क्रूर और कुटिल बुढ़िया थी, परंतु कैफ़े एक बहुत ही आरामदायक, सौहार्दपूर्ण गर्म स्थान था। मालकिन ने मारियाना को देखते ही कहा, तुम आज फिर देरी से आई हो। मारियाना ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, वो सिर्फ 5 मिनट देरी से आई थी। परंतु उसको मालकिन ऐसे दिखा रही थी जैसे उसने उसकी संपत्ति के कागज चुरा लिए या कोई बड़ा अपराध किया था। मालकिन ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, ग्राहक इंतज़ार कर रहे हैं, काम शुरू करो। मारियाना ने जवाब दिया, जी मैडम, बस शुरू करती हूँ। ऐसी बातों पर मारियाना को बहुत ही गुस्सा आता था, पर वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती थी और नियंत्रण कर लेती थी। श्रीमती क्लारेंस अच्छी औरतों में नहीं गिनी जाती थी उस शहर में, पर वही कैफे की मालकिन थी और उसकी बात तो सुननी ही होती थी। मारियाना ने और भी बहुत से काम करने की कोशिश की थी,
परंतु उसको ऐसा लगता था कि भगवान उसको दुखी ही देखना चाहते थे। कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए उसको उसी कैफे में काम करना पड़ता था। एक दिन दिन भर काम करके वो बहुत ही थकी हुई हालत में घर वापस जा रही थी। रास्ते में एक भविष्यवक्ता बैठा हुआ था। वो जिज्ञासा से उसके पास चली गई और पूछा, मुझे इस कैफे से कब छुटकारा मिलेगा? भविष्यवक्ता ने कहा, नहीं, यही वो जगह है जहाँ तुमको पूर्णता मिलेगी। मारियानो को बहुत ही गुस्सा आया, पर उसने भविष्यवक्ता को $1 दे दिया और बिना कोई और प्रश्न पूछे घर की तरफ चल पड़ी। उसके कानों में मालकिन के शब्द गूंज रहे थे, जल्दी जल्दी करो, बहुत से ग्राहक इंतजार कर रहे हैं कॉफ़ी का। उस दिन उसका काम रात 8 बजे समाप्त हुआ था। तनख्वाह 1 हफ्ते के बाद मिलनी थी। उसको तनख्वाह में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं थी। जाने से पहले उसने मालकिन और अन्य काम करने वाली औरतों को गुड नाइट कहा था। श्रीमती क्लारेंस ने कहा था, बहुत अच्छे, सुरक्षित जाना, गुड नाइट। वो अपनी मालकिन के बुरे व्यवहार को हमेशा नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रहती थी, परंतु वो आसान काम नहीं था। काश वो बूढ़ी मालकिन थोड़ी विनम्र होती तो उससे बातें करना कितना अच्छा लगता। अचानक उसकी बस रुक गई और वो बस से नीचे उतरकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चल दिया। उसके चारों तरफ बहुत से रेस्टोरेंट थे और हर तरफ से कारों के हॉर्न की आवाज़ें और लोगों के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। हर तरफ से खाने की चीज़ों की सुगंध उठ रही थी। मारियाना के लिए उसकी विलासिता अपने सोफे पर बैठकर रात को चिकन के कुछ टुकड़े और एक आइसक्रीम खाने तक ही सीमित थी। प्रेम और संबंध की बातें तो फ़ोन पर गेम एप्लीकेशन तक ही सीमित थी। घड़ी ने रात के 11 बजाए। मारियाना गहरी सोच में डूबी हुई दीवार पर अपने बनाए चित्रों को देख रही थी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कला ने कभी भी उसके भाग्य को नहीं बदला था, परंतु उसने चित्रकारी के अपने शौक को नहीं छोड़ा था। कई बार तो सोचती थी कि वह एक अच्छी चित्रकार नहीं बन सकती थी, विशेषकर उन लोगों की राय के कारण जो उसके चित्रों को देखते थे। बचपन से ही वो अलग प्रकार के चित्र बनाती आई थी। जब उसको घर, कार या पेड़ का चित्र बनाने को कहा जाता था तो वह पानी के नीचे किसी अजीब प्राणी का चित्र बना देती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी और ही ग्रह से आई थी। जो चित्र भी वो बनाती थी उस चित्र से उसका कोई ना कोई संबंध होता ही था। लोगों को समझ नहीं आता था कि वो क्या बनाती थी। लोग इसके चित्रों की आलोचना ही करते थे। कई बार वो चित्रकारी को छोड़ने के बारे में भी सोचती थी, परंतु कर नहीं सकी। वो कल्पना करती थी कि एक दिन वो एक घर में उसके सभी चित्रों को प्रदर्शित करेगी और लोग उनको देखकर उसको स्वीकार लेंगे। कुछ दिनों में चर्चा होने लगी कि नज़दीक ही एक रॉबस्ट कैफ़े खुलने वाला था। उस कैफ़े में वाईफाई, टेलीविज़न, संगीत, अच्छा खाना और अन्य बहुत से आकर्षण वाले थे। ऐसा भी सुनने में आया था कि उस कैफ़े के मालिक भी बहुत ही आकर्षक थे। काम करने वाले पुरुष और स्त्रियां भी बहुत खूबसूरत थे। जब श्रीमती फ्लोरेंस ने उस नए कैफ़े के बारे में सुना, उसका परेशान होना तो स्वाभाविक ही था। वो पहले से अधिक सिगरेट पीने लगी, उसके गुस्से में भी वृद्धि हो गई। वो काम करने वाली लड़कियों पर छोटी छोटी सी बातों पर बिगड़ने लगी, चिल्लाने लगी। मारियाना सोचने लगी कि कुछ दिनों में उसका कैफ़े बिल्कुल खाली हो जाने वाला था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अन्य आकर्षण नहीं था। एक दिन स्टोर रूम में कॉफ़ी के बीजों के एक पैकेट को खोलते समय उसने एक किताब देखी। वो जिज्ञासावश उस किताब के पन्ने पलटने लगी। मारियाना ने वो किताब चुपके से अपने हैंडबैग में रख ली।
शाम को काम समाप्त करके वो जाने को तैयार थी। उसने श्रीमती क्लारेंस को गुड नाइट कहा और चलने लगी। अचानक एक सुखद आवाज़ ने उसको रोका। मारिया ने पीछे देखा तो एक लगभग 25 वर्ष का पुरुष खड़ा था। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था, उसके भूरे बाल थे और चेहरे पर एक मनभावक मुस्कान थी। उस व्यक्ति ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम कॉटेज कैफ़े में काम करती हो? मारियाना ने संभल कर कहा, जी हाँ मैं वहीं काम करती हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम रियान है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मारियाना ट्रेसर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं रॉबस्ट कैफ़े का मालिक हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगी? हमारे पास काम करने वाले सभी लोग हैं, पर आप जैसे एक अनुभवी व्यक्ति की हमको बहुत ज़रूरत है। मारियाना तो एकदम ही घबरा ही गई और कुछ बोल ही नहीं सकी। अचानक रियान ने कहा, मिस ट्रेसर, आपको जितनी तनख्वाह कॉटेज कैफ़े में मिलती है मैं आपको उससे दुगनी तनख्वाह दूंगा। एक साल में आपकी योग्यता को देखकर मैं आपको हेड वेट्रेस बना दूंगा। बोलिए क्या विचार है आपका, आप एक हफ्ते के अंदर मुझे जवाब दे दीजिएगा। रियान ने जाने से पहले मारियाना को अपना एक विजिटिंग कार्ड दे दिया और गुड नाइट बोलकर चला गया। मारियाना हैरान सी उस कार्ड को देखती ही रह गई। मारियाना को अचानक ही एक प्रकार की सुरक्षा का आभास होने लगा। उसको लगा कि यही एक अवसर था जो उसको बूढ़ी क्लाइंट से दूर ले जा सकता था। कुछ ही देर में वो सोचने लगी, अगर कॉटेज कैफ़े में ग्राहक घटने लगे और धीरे धीरे कैफ़े बंद हो गया तो श्रीमती क्लारेंस क्या करेंगी? सिर्फ यही तो उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। वो अपने घर के सोफे पर आराम करते हुए कॉटेज कैफ़े के बारे में ही सोच रही थी। अचानक उसको वो किताब याद आई जो उसने अपने हैंडबैग में रखी थी। उसने धीरे से वह पुस्तक खोली। उस किताब के एक पेज से एक बहुत ही खूबसूरत जवान नीली आंखों वाली युवती की फ़ोटो जुड़ी हुई थी। मारियाना तो सम्मोहित सी उस फोटो को देखती ही रह गई। उस फोटो के पीछे लिखा था, ओड टू माई लवली क्लारेंस। उस किताब में आधे से ज़्यादा स्थान कविताओं ने ही ले लिया था। सभी कविताओं में उस फोटो वाली युवती की प्रशंसा की गई थी। मारियाना को अफसोस हुआ कि वो क्यों उस किताब को गोदाम में से उठा कर ले आई। दूसरी तरफ वो ये भी जानना चाहती थी कि किसने वो सभी कविताएं लिखी थी। शायद उस युवती का पति हो या प्रेमी। वो ध्यान से हर पन्ने को देखने लगी। कुछ पन्नों पर शब्द फैले हुए थे जैसे किसी के आंसू उस स्याही पर गिरे थे। मारियाना ने श्रीमती क्लारेंस से बात करने का निर्णय किया। वो कॉटेज कैफ़े छोड़ने से पहले उनसे बात करना चाहती थी। उस रात मारियाना बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। अगली सुबह जब वो कैफ़े पहुंची, उसने क्लोज्ड का बोर्ड देखा। उसने खिड़की के शीशे में से देखा, श्रीमती क्लारेंस काउंटर पर बैठी थी। अंदर से श्रीमती क्लारेंस ने उसको दरवाजे से अंदर आने को कहा, आने का संकेत किया। श्रीमती क्लारेंस ने उसको उसके पैसे दे दिए और कहा, आज तुम जा सकती हो, आज कैफ़े बंद रहेगा। मारियाना ने तनख्वाह का चेक ले लिया और बैग में से किताब निकालकर काउंटर पर रख दी। श्रीमती क्लारेंस की आंखों में क्रोध आ गया, तुमको ये किताब कहाँ से मिली? मारियाना ने उसको बता दिया कि वो स्टोर रूम में मिली थी। श्रीमती क्लारेंस ने मारियाना को गुस्सा करना शुरू कर दिया, क्या तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ भी नहीं सिखाया है? तुम लोगों के सामान को बिना पूछे ही ले जाती हो, तुमने तो सब कुछ पढ़ भी लिया होगा, ये बहुत ही निंदनीय काम है। मारियाना ने डरते डरते कहा, देखिए मैडम, अगर मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं होता तो ये पुस्तक आपके पास वापस नहीं आती। मैंने तो सोचा था कि आप इस किताब के बारे में मुझसे बातें करेंगी, शायद मैं ही गलत थी। ठीक है, शुभ दिन। अचानक श्रीमती क्लारेंस ने अपने हाथ से काउंटर को पीटना शुरू कर दिया।
उनकी आंखों में आंसू थे, वो बोल नहीं रही थी, बस मारियाना को देखे जा रही थी। मारियाना ने तुरंत ही एक गिलास पानी लाकर उनको दे दिया। उन्होंने कुछ घूंट पिए, सब कुछ फिर से शांत हो गया था। फिर श्रीमती क्लारेंस बोली, तुम नए कैफे में काम करने जा रही हो, है कि नहीं? मारियाना ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, जी ठीक सुना आपने। श्रीमती क्लारेंस ने अपने दराज में से एक फ़ोटो निकालकर काउंटर पर रख दिया। वो एक खूबसूरत पुरुष की फोटो थी। उसने एक चमड़े का कोट पहन रखा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। श्रीमती क्लारेंस ने कहा, ये मेरे पति हैं, रोजर्स हॉल। हम दोनों की मुलाकात 40 साल पहले एक मिठाइयों की दुकान पर हुई थी। हमारी शादी के 2 साल बाद ही एक भयंकर रात वो मुझे बिना बताए घर से बाहर गए हुए थे। कुछ लिटोरों ने उनको रात के अंधेरे में लूट लिया और फिर चाकू मार दिया। मारियाना को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, पर उसने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर वो आपको बहुत प्रेम करते थे। आप उनकी कविताएं देखिए जो उन्होंने आपके लिए लिखी थी। श्रीमती क्लारेंस चिल्लाई, नहीं, उसने मुझे कभी भी नहीं बताया। अगर वो मुझे प्रेम करते तो आज मुझे इस दयनीय हालत में जीवन नहीं बिताना पड़ता। मारियाना ने कहा, लेकिन फिर ये कविताएं? मेरे पति ने नहीं लिखी ये कविताएं, मैंने खुद ही ये कविताएं अपने लिए और अपने बारे में लिखी हैं। मैं एक पागल की तरह लिखती थी। मारियाना के तो होश ही उड़ गए। श्रीमती क्लारेंस ने कहा, उनकी मृत्यु के कुछ दिनों के बाद मुझे ये खाली डायरी स्टोर रूम में मिली थी। एक पेज पर मेरी फ़ोटो जुड़ी हुई थी। मैं समझ गई कि वो उस डायरी में मेरे लिए कविताएं लिखना चाहते थे। उस दिन से आज तक मैं यही सोचती हूँ कि उन्होंने उन पन्नों पर क्या लिखा होता। वैसे तो मैंने खुद ही कविताएं लिख दी थी। अचानक श्रीमती क्लारेंस रोने लगी और फिर बोली, मैं ही पागल की तरह इस किताब के पन्नों को अपने बारे में खुद ही कविताएं लिखने लगी। कुछ रातों के बाद मारियाना अपने कमरे में एक चित्र बनाने में लगी हुई थी। उसने कई रातें उस चित्र पर बर्बाद करती थी। उस रात को वह चित्र बन गया था। वो कुर्सी पर बैठी एक जवान श्रीमती क्लारेंस का चित्र था। उनके पीछे जवान मिस्टर रॉजर्स खड़े थे। रॉजर्स के हाथ अपनी पत्नी के कंधों पर थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस चित्र में कुर्सी पर बैठी श्रीमती क्लारेंस की गोदी में एक केक और हाथ में एक चाकू था। मारियाना ने उनको उनकी जवानी की फ़ोटो को देखकर ही बनाया था। एक हफ्ते के बाद वो इस चित्र को श्रीमती क्लारेंस को देने के लिए तैयार हो गई। उसने इस चित्र को एक काले बैग में रख लिया और कैफ़े की तरफ चल दी। बस से उतरकर वो कैफ़े की तरफ चलने लगी। कैफ़े के बाहर उसने लोगों को खड़े होकर बातें करते हुए देखा। मारियाना को भी उनकी बातें सुनाई देने लगी। बिल्कुल ठीक ठाक तो थी, क्या हुआ, कैसे हुआ बेचारी श्रीमती क्लारेंस? मारियाना की तो जैसे सांस ही रुक गई। कैफे में प्रतिदिन आने वाले एक बूढ़े ने उसको पूछा, तुमको भी खबर फैल गई मारियाना? मारियाना ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। कल रात उन्होंने अपने आप को रस्सी से लटका दिया और जीवन का अंत कर दिया। सड़क पर चलने वाले लोगों ने उनकी लटकती हुई लाश देखी और पुलिस को बुलाया। बूढ़े ने मारियाना को पूरी बात बता दी। मारियाना आगे जाना चाहती थी, पर उसको लगा जैसे किसी ने उसकी टांगें पकड़ ली थी। हर तरफ पुलिस और पुलिस के कुत्ते ही थे। उसको कैफे के अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके हाथ से बैग छूट गया और उसका बनाया हुआ चित्र बाहर निकल आया। हल्की हल्की वर्षा और उसके आंसू एक दूसरे में मिलने लगे। उस दिन के बाद बहुत सी बातें बदल गई। मिस्टर और श्रीमती हॉल का चित्र दीवार पर लटका हुआ है। बहुत से लोग उस पूर्व कैफे में आते हैं और उस चित्र के लिए मुँह मांगी कीमत देने की बात करते हैं। वो चित्र बेचने के लिए तैयार नहीं है। मारियाना उस चित्र के सामने खड़ी है। उसके हाथ में एक चिट्ठी है जो उसको श्रीमती क्लारेंस के अंतिम संस्कार के बाद दी गई थी।
ये चिट्ठी श्रीमती क्लारेंस की वसीयत थी और वो अपना कैफ़े मारियाना को दे गई थी। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, पहले ये एक कैफ़े था जहाँ से मेरी भूख शांत होती थी, पर अब तुम इस कैफ़े को एक बार घर बना लेना और अपने सपनों को साकार करना। लोग उस कैफ़े में, जो अब एक घर में परिवर्तित हो गया है और जहाँ मारियाना रहती है, उस चित्र को एक शानदार कलाकृति के रूप में देखते हैं, परंतु मारियाना के लिए वो चित्र एक समाधि लेख है जो उसको उसके सपनों को जीवन दे गया था। मित्रों, बहुत ही अजीब है ये मानव रिश्तों की दुनिया और लोगों का व्यवहार। कौन किसके लिए कब क्या कर जाए कोई नहीं कह सकता। जीवन से निराश एक व्यक्ति जो अपना काम छोड़कर दूसरी जगह काम करने की सोच रही थी, उस स्थान की मालकिन बन जाती है जहाँ वो इतने वर्षों से काम करती चली आ रही थी। यही तो है प्रेम और स्नेह के बंधनों की ताकत। बहुत बहुत धन्यवाद।